भाकियु भानु के 3 दिवसीय अधिवेशन का हुआ समापन। अलकनंदा घाट पर शुरू हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के 3 दिवसीय अधिवेशन में किसान संगठन के पदाधिकारियों ने किसान एकजुटता और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। मंगलवार से शुरू हुए अधिवेशन में देश के कई राज्यों के किसानों ने भाग लिया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। सरकार की नीतियों के चलते किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, चीनी मिलों पर बकाया गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन किसान आर्थिक रूप से और कमजोर होता जा रहा है। सरकार MSP पर गारंटी देने के वादे को भी पूरा नहीं कर पाए। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते किसान लगातार कमजोर हो रहा है। किसानों को एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। 3 दिवसीय अधिवेशन में संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार की नीतियों से परेशान किसान आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि MSP पर गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने कहा कि देश के विकास के लिए किसान का समृद्ध होना जरूरी है। सरकार को किसान हितैषी नीतियां लागू कर किसानों की समृद्धि के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान हित में भाकियु भानु का संघर्ष लगातार रहेगा। राज सिंह चौधरी ने बताया कि 3 दिवसीय अधिवेशन में किसानों के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी। अधिवेशन के आखिर में राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी व उनकी पूरी टीम द्वारा भाकियु भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का चांदी मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भागमल, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौधरी, प्रदेश महासचिव विनय चौधरी, प्रदेश सचिव विकास चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अंकित, खानपुर ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग खटाना, लक्सर नगर अध्यक्ष दीक्षित कुमार, प्रदेश प्रभारी देवेश राणा सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए हरिद्वार से पवन सिंह परमार की रिपोर्ट। भारत आजाद है, हम आप सब स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रहे हैं। जो जिसके मन में आता है वो राजनीति करता है। संसद चलती है, विधानसभाएं चलती हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री और सब लोग पदाधिकारी बनते हैं। वो है भाई साहब सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यदि वो न हो तो हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। और दूसरा देश जब आक्रमण करता है तो हमारे लोग शहीद होते हैं, उन शहीदों को 5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। और ये मांग पूरी नहीं हुई तो रमेश बाबा की कृपा हम पे है, ब्रज के वीरत संत हैं, किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है, उसका चुनाव चिन्ह पेन है। कब तक करें निवेदन और विनती, अति सर्वत्र वर्षती। 14वें समर्थन, 19वें समर्थन, उत्तर प्रदेश में 17 में, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे, भाजपा की बनाएंगे, ये 22 में और अब 23 में भी उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन सुनी कुछ नहीं गई आज तक, न तो कर्ज माफ हुआ, न किसान आयोग का गठन हुआ, और अब आ गया 24 का चुनाव, अब भी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। और हम भी हो गए बूढ़े, मर गए तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए जीते जी 2 महीने का समय देते हैं, या तो हमारी मांग मान लो, नहीं तो ये देखो चुनाव चिन्ह, देख लो चुनाव चिन्ह, किसान क्रांति दल लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। 543 सांसद किसान क्रांति दल भानु प्रताप सिंह लड़ाएगा और जिताएगा। क्यों? त्रेता में युद्ध हुआ, गरीब राम जीता, आज चक्रवर्ती सम्राट रावण हारा। द्वापर में युद्ध हुआ, गरीब अर्जुन जीता और चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन हारा, और दुर्योधन के साथ ही सब पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, करुणास्तु थामा, जैसे आजकल
सारे नेता बड़े बड़े नेता नाम नहीं लूंगा आंखें निकाले बैठे हारा कौन सारे नेता सारे चक्रवर्ती सम्राट जीता कौन नंगा अर्जुन जब अंग्रेजों ने इस युग की बात है अंग्रेजों ने पूरा कब्जा कर लिया डहर फेर रेल फेल सब बना दी चौधरी आज भानु गुट का एक शुरू हुआ तीन दिन का शिविर संपन्न हुआ है एक निर्णय लिया उन्होंने कि दो महीने में अगर मांगे नहीं मानी तो चुनाव लड़ा जाएगा ऐसा है कि 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है ये बंद करवा दो जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी पर किसानों ने कांग्रेस की गलत नीतियों से परेशान होकर विश्वास किया 2014 में इनके घोषणा पत्र की आप कॉपी शायद 28वें नंबर पेज पर इन्होंने शायद कंफर्म नहीं है स्वामीनाथन आयोग के लागू करने का वायदा किसानों से कर दिया था लेकिन पूरा नहीं हुआ लेकिन किसान इनको लगातार समर्थन देता रहा है भारतीय किसान यूनियन भानु की इस तरफ से पूरा समर्थन मिला है सरकार को हमको बीजेपी समर्थित संगठन भी माना जाता रहा है लेकिन अब हमें लगता है कि 2024 में शायद एक साल भी नहीं रहा और हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे रहें यह हमारे लिए संभव नहीं इसलिए हमने एक राजनीतिक विकल्प भी खोजा है अगर दो महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घोषणा है अगर दो महीने में सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो अपनी बॉडी बना के हम 543 सीटों पर चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे किसानों को और क्योंकि इस देश के लोकतंत्र ने सबको राजनीति का अधिकार दिया है बोलने का अधिकार दिया है और शायद भाजपा को हमसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट नहीं किया अगर ऐसा भाजपा हमारे किसान आयोग का गठन नहीं करती है तो ये मान ले कि हम किसानों के हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ भारतीय किसान भानु संगठन नहीं करेगा किसान संगठन का नाम है किसान क्रांति दल जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और वह ऐसे ही है कि मान लो हमारा एक ऐसा हथियार है जिससे शायद सरकार डर जाए तो किसानों का भला हो जाए